नर्मदा सिंचाई योजना की टेंडर प्रक्रिया संबंधित प्रमाणित दस्तावेज दिखाने के बाद बागली के किसानों ने नेताओं को गांव में प्रवेश देकर राजनेताओं के गांव में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। हम आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान नर्मदा सिंचाई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर बागली विधानसभा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों द्वारा राजनीतिक पार्टियों का विरोध प्रदर्शन करते हुए 9 जुलाई 2021 में बागली के ग्राम नयापुरा में मशाल रैली निकालकर ग्राम में नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के कारण दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के लिए यह विरोध प्रदर्शन। ऐसे में राजनीतिक पार्टी के नेता गांव में जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे थे। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए चुनाव प्रभारियों ने किसानों से चर्चा कर उनकी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की, जिसके पश्चात 11 अक्टूबर को भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय के नेतृत्व में भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई, जिन्होंने गांव में प्रवेश करने के पहले नर्मदा सिंचाई योजना के टेंडर प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज किसानों को बताए। उसके बाद ही किसानों ने संतुष्ट होकर नेताओं को गांव में प्रवेश करने दिया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हमने गांव में नेताओं का राजनेताओं का प्रतिबंध किया था, ये बात सच है। जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले तो बोले कि हमारे नेता लोग आपके गांव में निविदा लेटर लेकर आएंगे, निविदा पत्र लेकर आएंगे। तो हमने बोला उनका ठीक है, गांव में निविदा पत्र लेकर आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो हमें निविदा पत्र दिया गया, हमने निविदा पत्र देखकर जब हमको आत्म शांति हो गई तब हमने उनको गांव में प्रवेश दिया। तो क्या रहेगा रणनीति आगे की चुनाव को लेकर? क्या रहेगा चुनाव की रणनीति? यही रहेगी कि अब हमने नेताओं को प्रतिबंध हटा दिया, अब सब आज़ाद है, जिसको जहां वोट देना है अपने अपने वोट। यदि मांग आपकी पूरी नहीं होती है चुनाव के बाद भी, तो फिर? चुनाव के बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में इनके हम इन अब 3 विधानसभा जुड़ गई है हमारी, बागली, हाडीपलिया, देवास, तीनों विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। नेताओं के प्रवेश पर गांव के अंदर जो प्रतिबंध लगाया गया उसका आज विराम लगा है, और किन आश्वासनों पर ये कुछ हुआ है किसानों पर विश्वास जताया? एक तो ये आश्वासनों पर नहीं ख़त्म हुआ, ये प्रामाणिक तथ्यों पर हुआ है इसका समाधान। और ये तो उनका स्नेहिल जो आग्रह था वो मध्य प्रदेश की सरकार पहले से ही तैयारी में थी, क्योंकि आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश की सरकार का ही ये मानना है कि 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचित था जब हमने 2003 में व्यवस्था हाथ में ली थी। आज 45 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमने सिंचित की है, और ये माइक्रो इरीगेशन हाडीपलिया इसकी बहुत सारी तैयारियां पूर्ण थी पहले से ही। पर आप जानते हैं कि 15 महीने हम थे नहीं। भाई मनोज का उद्बोधन यदि आपने सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि उनकी नियत भी कांग्रेस की करने की नहीं थी। हम जब से आए कोरोना काल था, हम करना चाहते थे तत्काल दूसरे ही दिन से, पर ये इस वजह से हो ना सका। हमारे जनप्रतिनिधि पहाड़ सिंह जी ने आपने देखा कोर्ट गए, युद्ध स्तर पर संघर्ष किया कि ये काम कैसे भी हो। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि 29 तारीख को साधिकार समिति से जो प्रस्ताव पारित हुआ था, 4 तारीख को मुख्य सचिव के हस्ताक्षर उस पर हुए और टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। 2 तारीख के बाद टेंडर खुलते ही माइक्रो इरीगेशन का काम प्रारंभ होगा। जो निर्धारित समय 30 दिन 45 दिन का जो लगना है वो अवश्य लगेगा, और हमारे अन्नदाता भाई जो कि बहुत ही, मैं सोचती हूँ, बागली जैसे कार्यकर्ता, विचारधारा के प्रेमी, इस प्रदेश तो क्या इस देश में भी कहीं नहीं मिलेंगे, और उनका असीम स्नेह प्राप्त था, है और रहेगा। ये प्रतिबंध की अलग है जो नयापुरा से ही जली थी, और आज नयापुरा में पहला कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। आज आप देख रहे हैं उनका स्नेह और प्रेम कि नयापुरा से उन्हें आंदोलन शुरू किया था और नयेपुरे से ही उसको समापन की घोषणा की है। मैं शांतिलाल जी और उनके सब साथियों को बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में एक पावन कार्य किया। गांव में प्रवेश के दौरान जो है पहले किसानों से आपने चर्चा करी, इसके बाद गांव में प्रवेश के बाद किस तरह की चर्चा की? जी यही चर्चा थी कि दिखाइए कागज, उनको सारे दिखाए और उनसे बातचीत हुई और उन्हीं के साथ हम लोग अंदर आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में